दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक जीबी व्हाट्सएप यूजर हैं और आपके जीबी व्हाट्सएप पर इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि जो आपका ये व्हाट्सएप है ये आउट ऑफ डेट हो चुका है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है तभी आप जाकर के सीख पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने जीबी व्हाट्सएप को अपडेट करें ताकि आपका जो जीबी व्हाट्सएप हो वह सक्सेसफुली अपडेट हो जाए। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, क्योंकि आपको यहाँ पर हम दो तरीका बताने वाले हैं। दोनों तरीका काफ़ी आसान होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों तरीके से आपका जो व्हाट्सएप है सक्सेसफुली आपका ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा दिस वर्जन ऑफ जीबी व्हाट्सएप बिकम टू आउट ऑफ डेट, और यहां पर एक डेट आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद में आपको यहां पर नीचे आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो इस प्रकार से आपको यहां पर शो करेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो इसके लिए आपको यहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर क्लिक करना होगा डाउनलोड वाले ऑप्शन पर। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं। जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, नीचे आना है, और जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप था तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है डायरेक्ट डाउनलोड पर। जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स चलता हुआ दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइमिंग यहाँ पर शो कर रहा है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ये बोलेगा आपसे डाउनलोड, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में आप यहाँ पर चाहें तो डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर शो कर जाएगा कि आपका जो जीबी व्हाट्सएप है यहां पर डाउनलोड हो रहा है। जब तक कि कंप्लीट हो लोडिंग, आप वेस्ट है कि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को भी करें, वीडियो को लाइक करने से हमें लगता है कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस वजह से हमारी वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जीबी व्हाट्सएप हमारा डाउनलोड हो चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा पैकेज इंस्टॉलर, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करते वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, और वेट करने के बाद आपको हम सेकेंड तरीका बताएंगे। जो सेकेंड तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, उससे आप बहुत ही आसानी से आप अपने जीबी व्हाट्सएप को अपडेट कर पाएंगे और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि हमारी ये प्रॉब्लम दूर हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप है ये ओपन हो रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ओपन भी हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से भी अगर आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है तो सेकेंड तरीका कौन सा है और उसको कैसे करना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पर बैग खोलना है यहाँ से। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा बैग खोल लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बैक हो चुका हूँ। बैक होने के बाद सबसे पहले अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अपना टेलीग्राम ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अपना टेलीग्राम ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सर्च का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है MKV इस प्रकार से, और आपको यहाँ पर लिख लेना है टेक्निकल, इस प्रकार से आपको यहाँ पर टेक्निकल भी लिख लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर MKV टेक्निकल आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा। लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर ही यहाँ पर आपको शो कर रहा है MKV टेक्निकल, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये म्यूट होगा, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, ये अनम्यूट हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसके नाम पर क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर नाम पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपको यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, आप इस पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जीबी व्हाट्सएप प्रो, इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे पूछेगा कि पैकेज इंस्टॉलर, तो आपको यहाँ पर पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जीबी व्हाट्सएप। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपका इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो आपका जीबी व्हाट्सएप है वो डायरेक्ट
डायरेक्ट आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जीबी व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।